खुशबू, दूर रहकर ही बात करना मुझसे। तुम्हारे पैर को छूकर लगता है जैसे मेरे पूरे शरीर में कीड़े रेंग रहे हों। छी, ये भी कोई जिंदगी है? एक चोर की तरह जीना, एक ढोंगी स्वामी बनकर जी ही क्यों रहे हो? इससे तो बेहतर है मर जाना। बात सच है कि मैं एक चोर हूं, लेकिन यह भी सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं रही तो ऐसा लगता है जैसे प्यार नाम की चीज ही नहीं है। एक बात तो साफ हो गई कि पैसों से प्यार नहीं खरीदा जा सकता। जब से तुम्हें मंदिर में देखा है उसके बाद देखने के लिए बेताब हो गया। एक बार तो यहां से पैसे लेकर निकल ही रहा था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं रुक गया। किसी के लिए अपना जीवन बदलना, यही तो प्यार है। क्या ये सच्चा प्यार नहीं है? पता नहीं, पहली बार जब मैंने तुम्हें मंदिर में देखा तब तुम मूर्ति की चोरी कर रहे थे, और यहाँ आकर एक ढोंगी स्वामी का नाटक कर रहे हो। तुम पर कैसे यकीन करूं ये मुझे समझ में नहीं आता। प्यार का मतलब यकीन भी तो है ना। तो तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? ऐसा कुछ जो मुझे सच लगे। सच का मतलब? इतने सबूत काफी है उस कृष्णानंद स्वामी की पोल खोलने के। आप लोग एक काम कीजिए, कल शुक्रवार ठीक 5 बजे उसने एक प्रेस मीटिंग रखी, 4:30 बजे आश्रम के आसपास पुलिस फोर्स लेकर आ जाइए। कल सिर्फ इस बाबा के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि भगवान के नाम पर भक्तों को बेवकूफ बनाने वाले हर बाबा को लपेटेंगे, और उसके बाद ये सारे बाबा लोग बेबी बन जाएंगे, उनकी धोती फाड़ दूंगा। जल्दी चल, हमें प्रेस मीट के लिए जाना है। प्रेस मीट के लिए हमें क्यों जाना है? अरे पहली बार स्वामी जी टीवी पर दिखेंगे। मम्मी चल जल्दी। ये मीटिंग कब स्टार्ट होगी? ठीक 5 बजे शुरू होगी, आप आ रहे हैं ना? 10 मिनट लेट आऊंगा, पहले आने पर लोग सोचेंगे इसे कोई काम धंधा नहीं है। सर बोलिए सर। कहो। नीचे हैं सर, अपने सब लोग आ गए। गुड, 10 मिनट में ऊपर आ जाओ। ओके सर। पुलिस आ गई है? अभी आए सर। 5:30 तक ढाबा बोल दो। ओके सर। उपस्थित सभी भक्तों को, मुक्ति चैनल के ऑडियंस को मेरा नमस्कार। आज का दिन बहुत ही खास है यहाँ की ऑडियंस के लिए, हमारे चैनल के लिए। ये एक यादगार दिन होगा क्योंकि आज हम एक आम इंसान का परिचय नहीं करा रहे, साक्षात भगवान का परिचय कराने जा रहे हैं। आपको इनसे परिचित कराना चैनल के लिए सौभाग्य की बात है। अब ऐसे देव स्वरूप इंसान को गुरुजी आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे। सर्वे जना सुखीनो भवन्तु, संभवामि योगे योगे। पाप के अधिक बढ़ जाने से दुष्टों को दंड देने की नीयत से भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अवतार लेना था, परंतु वो अवतरित हुए न मनुष्य रूप में पैदा हुए न देवता की तरह प्रकट हुए, परंतु मनुष्य और भगवान के मध्य एक रूप में श्री कृष्ण स्वामी बनकर उस द्वारिका से इस द्वारिका में आ गए। जय हो कृष्णानंद स्वामी की जय। जय हो कृष्णानंद स्वामी जय। सुनो मैं निकल गया हूँ, तो आइए ना। मिनिस्टर भी आ रहा है, सबको एक साथ हथकड़ी पहनाएंगे। ओके सर, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं अपने भगवान के बारे में आपको क्या बताऊं? जब इस शहर में आया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज उसकी कृपा से सब है, और इसी भगवान की कृपा से आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। अब मैं इस भगवान के बारे में क्या बताऊं, ये तो साक्षात कृष्ण भगवान है। जय हो कृष्णानंद स्वामी की। अब हमारे ट्रस्ट के सदस्य लॉयर रवि बाबू बात करेंगे। हमारे देश की अदालतों में गुनहगारों को सजा दी जाती है, लेकिन आप मुझे बताइए क्या गुनहगार कम होते हैं? नहीं होते ना। इसका मतलब है कि आज के इंसान कोर्ट से मिलने वाली सजा से डरते नहीं हैं। मनुष्यों का हृदय परिवर्तन करके उन्हें सद्मार्ग दिखाने के लिए ही यहाँ स्वामी जी आए। कृष्णानंद स्वामी जी की जय।
दस मिनट में मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, तब तक इंतजार करो। पुलिस कहाँ है? नीचे है सर। उनसे कहो जल्दी ऊपर आ जाए। ओके सर। आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं ये देख रहा हूं कि आप सब लोग मुझे भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मैं भगवान नहीं हूं। मैं एक चोर हूं। आई क्या कहा? बाबा खुद को चोर बता रहा है? अबे गाड़ी रोक, ब्रेक लगा। किसी ने मुझे सच कहने को कहा है। और इसलिए मैं सच कह रहा हूं। मेरे जीवन में सिर्फ दो ही सच हैं। पहला सच मेरा प्यार है। और दूसरा मैं एक चोर हूं। लोगों ने नहीं बोला कि हमने धोखा खाया। सीसीटीवी कैमरे से भी पता नहीं चला। गांव के लोगों पर भी अटैक नहीं हुआ। राज्य के लोगों को और प्रेस वालों को बुलाकर सबके सामने बोला कि मैं भगवान नहीं एक चोर हूँ। बाबा ने आखिर ऐसा क्यों कहा होगा? हम आपको पल पल की खबर देते रहे। कुछ दिनों पहले द्वारका अपार्टमेंट में अचानक बाबा के रूप में आया हुआ आदमी अपने आप को चोर कहलाता है। उसने ऐसा क्यों कहा, इसकी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। चलिए जान लेते हैं उसके मन में क्या है। मेरे जीवन में सिर्फ दो ही सच हैं। पहला सच मेरा प्यार है और दूसरा मैं एक चोर हूँ। मेरे पति को कुछ नहीं होगा ना डॉक्टर? 24 आवर्स तक कुछ नहीं कह सकते। हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? सुनिए जी, अब मेरा क्या होगा? हे भगवान, बाबा ने तो कहा था कि आप ठीक हो जाओगे। सत्यानाश उस बाबा का। बीपी शुगर सब कुछ आपका बढ़ गया है, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, उस ढोंगी बाबा का सर्वनाश हो जाए, उसके हाथ पैर टूट जाए। गेट लॉस्ट वेस्ट फेलो। लेकिन सर आखिर हुआ क्या है? एक गधे को भगवान बना दिया। चैनल की टीआरपी लुढ़क गई। चेयरमैन साहब की आंखों में खून उतर आया है, वो मुझे गाली दे रहे हैं। मैं वहाँ गया था तो मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई। वो प्रेग्नेंट तुम्हारी वजह से हुई है, उसकी वजह से नहीं। ये तो सही है सर। चैनल की गुडविल डूब गई। स्पॉन्सर्स ने अपने एड विथड्रॉ कर लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, लेकिन गेट आउट। दारू भी नहीं चढ़ रही है तो और क्या पियूं? मेरे जीवन में सिर्फ दो ही सच हैं और दूसरा मैं एक चोर हूँ। अरे मेरे भगवान कृष्ण, ये तूने क्या कर दिया है? ए, मैंने पहले ही कहा था तुझे कि ये लड़कियों के चक्कर में पड़ेगा तो बर्बाद हो जाएगा। अब देख ले तूने क्या किया है, देख ले खुद। पहले ये खा लो, कहाँ जाएगा, आ जाएगा घर। उनके भक्तों के बीच मुझे चिंता हो रही है, कहीं वो कुछ कर ना ले। स्वामी कृष्णानंद चोर है ये जान के उनके भक्तों में खलबली मच गई है। उनकी सच्चाई जानने के लिए बंद करो। हे, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? जब भगवान ने ही मुझे धोखा दे दिया तो इस दुनिया में जीकर मैं क्या करूंगा? आज या तो वो मरेगा या फिर मैं मरूंगा। मैं अपनी जान ले लूंगा। छोड़ो मुझे, नहीं बचूंगा मैं। अरे रुक जाओ, अपने आप को मार दूंगा मैं। अरे रुक जाइए, रुक जाओ, थोड़ा तो सुनिए। मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम पागल हो गए, जाओ इसे अंदर लेकर जाओ। चलिए। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या रवि, तेरी प्रॉब्लम क्या है? उस दिन तेरे लिए ही निकला था, उस स्वामी ने सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया। उसके बाद सीएम का फोन आ गया, मैं वहाँ चला गया, तेरे पास आने का टाइम ही नहीं मिला। बोल बात क्या है? अरे मीडिया वालों का मुंह बंद करो। बहुत मुश्किल है, वो मीडिया है और मुझे उसकी जरूरत है। अगर मैंने उंगली की तो मेरे कुर्सी का पहिया निकाल देंगे। लगता है तुम भूल रहे हो, 15 केसेस मैंने लड़कर तुम्हें जिताए तभी तुम मिनिस्टर बने हो। अरे मैंने सोचा था कि तेल मालिश वाली को रखूंगा तो सरदर्द नहीं होगा, लेकिन उसके नखरों से बचने के लिए मैं थाईलैंड चला गया। अब तेरी वजह से एंजॉय करना बंद। वो छोड़िए, बताइए आप क्या करें? मैं क्या बोलूं? अब एक काम कर, तीनों को कुछ दिनों के लिए मीडिया से दूर रख। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारा नाम ना आए। संभाल लोगे? ओके। ए, कार निकाल, मैं स्टीम बाथ लूंगा।
हेलो, सिचुएशन क्या है? कल से सेम सिचुएशन है, पर मीडिया वालों को पता चल गया तो सनसनीखेज खबर बना देंगे। वो लोग कहाँ पर हैं? यहीं पर हैं। एक काम करो, आधे घंटे में एम्बुलेंस वहाँ पहुँच जाएगी और उसमें स्वामी जी को चढ़ा दो, फिर मीडिया तो क्या किसी को भी नजर नहीं आएगा। लेकिन जो बोला करना। अरे यार, अब तक तो अपन लोग के पीछे सिर्फ पुलिस वाले पड़े थे, लेकिन अब मीडिया वाले भी पड़ गए। इसकी वजह से पूरा करियर बर्बाद हो गया। गोल्ड ज्वेलरी के यहाँ जब चोरी की थी तब भी इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मैं जानता था कि एक ना एक दिन यही होगा, लेकिन इसने कुछ सुना नहीं। अब नतीजा देख। हाँ। नतीजा सोचकर अगर प्यार करना होता तो मैं प्यार नहीं करता। प्यार? ढोंगी बाबा के आश्रम में मीडिया वालों को जाने से रोका जा रहा है और मीडिया वालों से गलत व्यवहार किया जा रहा है। आश्रम में चारों तरफ गुंडे फैले हुए हैं। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। इस कांड में किसी बड़े आदमी का हाथ लग रहा है। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए साक्षी टीवी। अरे स्वामी जी आ गए। चोर बाबा कृष्णानंद स्वामी जी के पीछे आपके अलावा और कौन कौन है? क्या ये सच है कि जनता को बेवकूफ बनाया गया है और उनसे पैसे हटे गए हैं? बाबा अपने आप को चोर क्यों बुलाते हैं? क्या इसके पीछे राजनीतिक दबाव है या कोई और वजह है? इस खुलासे के बाद बाबा विदेश भागने वाले हैं ऐसा सुनने में आ रहा है। जनता को बताइए कि क्या आपकी मुलाकात बाबा से हुई है? आप सब जो भी प्रश्न कर रहे हैं उसके उत्तर हैं मेरे पास। अगर आपके पास उत्तर है तो जनता को बताइए कि सच क्या है। न सत्यो सदृश्यो गुरुवो, सच के समान कोई गुरु नहीं है। प्रश्न करना ही आवश्यक नहीं, उनके उत्तर जानना भी आवश्यक है। आइए, ये परीक्षा का समय है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी सीता जी की परीक्षा ली थी। इसका अर्थ यह नहीं कि सीता जी ने कुछ अनर्थ किया था या श्री राम जी ने कोई पाप किया था। यदि हम श्री रामचंद्र जी के दृष्टिकोण से उसे समझने का प्रयास करें तो सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। क्या है ये भ्रम, बताएंगे स्वामी जी? भगवान श्री कृष्ण बचपन में माखन चोरी किया करते थे, तो क्या हम उन्हें चोर कहते हैं? माखन चोर कह के प्यार जताते हैं। भगवान जो भी करते हैं परमार्थ के लिए करते हैं, हम लोग उसका गलत अर्थ लगाकर आलोचना करते हैं। सीता जी की परीक्षा रामचंद्र जी की महानता बताता है। ये सीता जी की पतिव्रता को ही उजागर नहीं करता, ये श्री रामचंद्र जी को समाज में आदर्श के रूप में स्थापित करता है। वैसे ही माखन चोर का अर्थ ये नहीं कि वो सिर्फ माखन ही चुराते थे। यहाँ माखन का अर्थ हृदय है, अर्थात प्रेम का प्रतीक। वो सारी बातें छोड़िए, कृष्णानंद स्वामी ढोंगी है या नहीं वो बताइए। ये मैंने पहले ही बताया, ये परीक्षा का समय है। साल भर पढ़ाई के बाद वर्ष के अंत में परीक्षा क्यों रखी जाती है? ताकि पास होने वाला उच्च वर्ग में जाए और फेल होने वाला उसी वर्ग में दोबारा पढ़ाई करे। उसी तरह स्वामी जी ने भी अपने भक्तों के बीच में असली और नकली को पहचानने के लिए परीक्षा रखी है। भाई,